ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੈਂਡਵਿਚ, ਚਾਹ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰ क्या करते हो यहाँ पे, क्या बनाते हो? मुझे 6 महीने हो गए इधर जॉब करते हुए। मुझे हैंडमेड कॉफ़ी भी आता है और मैं सभी के ऑर्डर लेता हूँ, पनीर टिक्का सैंडविच, चिकन ग्रिल सैंडविच वगैरह। ऑर्डर आप लेते हो यहाँ पे टोटली, जितने भी ऑर्डर? हाँ जी, टोटली A to Z सारा ऑर्डर लेता हूँ मैं प्लान्स का। सानू तो सगो इन्हां नाल काम करके मज़ा ही बड़ा आ रहा, सानू लगता है कि जिंदगी का स्वाद ही यही है। अजकल बहुत घट मीडिया वा जरा मतलब इन्हें चंगी चीज़ों दिखाता वा, ज़्यादातर तो बाहर ही लगे आ जी, दूजे लत खिंच लो खिंच लो, पर बहुत घट चैनलों वाले आ। परमात्मा उन्होंने हमेशा गुरु रामदास जी चढ़ती कला च रखन, जो समाज के दर्दा समझते आ। तो जहन दे विच किवें आया कि ये स्पैशल बच्चों के नाल ही मिट्टी कैफे जिहड़ा चलाया जाना, तो मिट्टी कैफे ही नाम क्यों दिता गया सर? पूरे इंडिया के 35 आउटलैट्स खुल चुके हैं, पंजाब से पहला। सानू ये कंसैप्ट मिसिज शिखा सरीन ने दिता और उन्होंने सानू चूज़ किया ये वास्ते कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। असी उन्होंने बहुत 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 थैंक यू करते हैं। दूजा असी मॉल का थैंक यू करते हैं कि मॉल वाले ने साढ़े तो अज तक कभी रेंट नहीं लिया सर, ये साढ़े वास्ते बड़ी वड्डी उपलब्धि है। सैंडविच बनाने होंगे ने, ये आप बनाते हैं सारा कुछ? हाँ जी सर, हूँ पहले नहीं सी बना सकते, हूँ सारे बच्चे आ खुद सैंडविच बना लेंगे ने, खुद कॉफ़ी बना लेंगे है, चाह बना लेंगे है, हर एक चीज़ के बीच मेरी हेल्प कर देंगे है। पिज़्ज़ा बनाना हो या कुछ, एक एक चीज़ मैं पकड़ाते हैं कि हूँ यह चीज़ पैनी है, हूँ यह चीज़ पैनी है। अंदर एंट्री हुई है साड़ी, तो आँदी है सत श्रीकाल नमस्ते बुला रहे हैं, ये तुसी समझाया हुआ सारा जां अपने आप ही बोलते हैं? सर कुछ अपने आप है, कुछ पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्ह बच्चों इन्हों की मेहनत दी जाती है, पैसे दिते जाते हैं? हाँ जी सर, जिहड़े बच्चे ट्रेनिंग लै रहे 3 महीने की ट्रेनिंग, उन्होंने कुछ नहीं दिता जाता, और बाकी जिहड़े बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं उन्होंने असी 5000 पे करते हैं। और जिस तरह साढ़े को ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा साढ़े को पैसा आएगा, असी इन्हों की अर्निंग वाधा करांगे जरूर। छोटी सोच नहीं लोगों को रखनी चाहिए, एक गल याद रखनी चाहिए आ, जिहड़े ब्रांड की असी गल करते हैं ना, तो जदों तुसीं कितें मड़ियां च वेख लिओ करोड़ांपति वड़े वड़े जातां पातां च पैण वाले सब उत्थे ही हुंदे आ, तो उस वेले ये चीज़ नहीं कम आउंदी। हंकार त्याग के जदों जावांगे ना, तो फिर असी बड़ा कुछ पालांगे। तो जे असी इन्हां वहमां दे चक्करां च पवांगे, इहो गल कोई सियाणे बाबे ने कही होवे भी जाओ जाके उत्थे आह करो आह खा लो, तो उत्थे इन्हां ने कुछ भी खा लेना, तो वहमां भरमां च पै गए, कोई इन्हां ने वेखणा नहीं भी समाज का नुकसान है कि चंगा वा। दोस्तों अज अमृतसर पहुँचे हाँ, तो तुहाडे नाल तस्वीर सांझियां कर रहे हैं अमृतसर के मिट्टी कैफे दियां। सब तो वधिया चीज़ इस कैफे की, क्योंकि इसनों चलाउण वाले जिहड़े बच्चे ने बहुत ही प्यारे आ, बहुत ही सोहणे बच्चे ने, ये स्पैशल बच्चे ने। वैसे तो हर बच्चा जिहड़ा जन्म लैंदा है वह जीनियस हुंदा है, पर ये जिहड़े बच्चे ने यह स्पैशल ने, क्योंकि ये रब दे उह बंदे ने, चाहे वह सही तरह बोल नहीं पाउंदे चाहे नहीं चल पाउंदे, पर फिर भी इन्हां दी हिम्मत ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ
और बहुत ही जिहड़े ने रब दे बंदे ने। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ 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 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੈਫੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖੁਦ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੁਛ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕੈਫੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੈਫੇ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸਦਾ? ਸਰ ਮਿੱਟੀ ਕੈਫੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਨ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 35 ਆਊਟਲੈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ਿਖਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੌਲ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕੈਫੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5,000 ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਸਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ
पर जगह ना होने करके इस तरह असी अपील करते हैं कि होर ज़्यादा कैफे खुलन, इनू असी एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिए, इतों बच्चे ट्रेन कर करके असी उस कैफे के बीच बच्चे भेजी जाइए। जानना चाहते हैं ट्रेनिंग किमें दी जाती है, किमें समझाया जाता सारा इन्हों? सर सब कुछ समझाया जाता, कोल खड़ के इन्हों हथ फड़ फड़ के एक गल नू इन्हों दस दस वारी कह कह के इस तरह करो इस तरह करो, पूरी तरह काम कर लेंगे, बड़ा वधिया काम कर लेंगे। सैंडविच बनाना होता है वो बहुत सारिया चीज़ों की वरतों होंगी है, तो किमें मैनेज करते हैं, किमें समझ पाते हैं सारा? समझ आते हैं सर, असी अपनी ना बॉटल्स के उत्ते सारे उत्ते लेबल लगाए हुए है, तो उस लेबल नू पढ़ पढ़ के सानू चीज़ देंगे ने कि यह चीज़ है यह चीज़ है, जिदी ना भी समझ लगे वो कोई गल नहीं, असी मैनेज कर लेंगे सर। ये वो बच्चे ने जिवें जिवें मिट्टी दे नाल जुड़े होया, मिट्टी रेस्टोरेंट है, तो यह भैन साड़ी कितनी प्यारी भैन है साड़ी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नाम की है भैन जी थोड़ा? अंकिता। भैने मेरी ये दसो, ये रेस्टोरेंट चला रहे हो तुसी, वधिया लगता इत्थे आउणा? हाँ जी। तुसी की बनाउंदे हो, की बना लैंदे हो? सैंडविच। अच्छा। चाय। आप बनाउंदे हो? हाँ जी। अच्छा, तां मन नूं तसल्ली हुंदी है, मन नूं वधिया लगता इत्थे? हाँ जी। देखो ये बच्चे ने जिहड़े स्पैशल जरूर ने, पर समझते सब ने, तो रब दे बंदे ने, वैसे तो हर बच्चा ही जिहड़ा जीनियस है, पर ये बहुत जीनियस ने, क्योंकि इस तरह की हालत दे विच रेस्टोरेंट चलाना एक वड्डी गल है, तो होर भी बच्चे ने। बेटा जी नाम क्या तुहाडा? मेरा नाम मुझे गुप्ता है। तो क्या करते हो जहाँ पे, क्या बनाते हो? मुझे 6 महीने हो गए इधर जो जॉब करते हुए, मुझे एडमिट कॉफ़ी भी आता है, और मैं सभी के ऑर्डर लेता हूँ, पनीर टिक्का सैंडविच, चिकन ग्रिल सैंडविच वगैरह वगैरह। अच्छा, ऑर्डर आप लेते हो यहाँ पे टोटली, जितने भी ऑर्डर? हाँ जी, टोटली ए टू जेड सारा ऑर्डर लेता हूँ, मैंने प्लान्स का। तो समझ में आ जाता है जो जैसे जो पंजाबी बोलता है ऑर्डर में, तो समझ में आ जाता है? हाँ जी हाँ जी, पंजाबी हिंदी इंग्लिश सारी आती है मुझे। ये बच्चे सच्ची दे विच बहुत प्यारे ने। तो बेटा तुहाडा नाम? ईशान। ईशान जी, आप भी बना लेते हो सैंडविच? हाँ जी सर। कैसे बनाते हो? बढ़िया बनाते हो? बढ़िया सर। तो मैंने देखा जब मैं अंदर आ रहा था, तो बहुत प्यार से आपने सत श्री अकाल बुलाई मेरे, किसने बताया था या अपने आप आया दिल में? अपने आप आया। अपने आप आया। हाँ जी। सच्ची दे विच मैनू बहुत सुकून मिलया, क्योंकि समाइल देखो ये बच्चे की, इन्ना प्यारा बच्चा है ना। नाम की है थोड़ा? राहुल। राहुल बेटा, तो राहुल का नाम बहुत प्यारा है ना, तो तुम इतने हमेशा आँदे हो? हाँ जी सर। रोजाना आँदे हो? मैं देखा तुम आँदे जाते सारे नमस्ते बुला रहे हो, सत श्री अकाल बुला रहे हो, है मज़ा आता है कोई आता इतने का? हाँ जी सर। वधिया है, वधिया उपराला भी है मिट्टी कैफे वाले का, कि मिट्टी के नाल जुड़े हुए इंसान ने, जिहड़े मिट्टी के नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने रोजी रोटी दी जा रही है, स्पैशल बच्चों भी उन्होंने जीन का एक जरिया बने हुए ने, उन्होंने महसूस नहीं होने दिता जा रहा कि वह स्पैशल बच्चे ने, क्योंकि स्पैशल बच्चों के बच्च इस तरह के बच्चों ट्रेनिंग देनी भी एक महानता है, वधिया गल है। हुण गलबात करांगे जिहड़े इस रेस्टोरेंट के पहुंचे हुए ने, समाज सेवी वीर ने साडे सोनू जंडियाला जी, पहला बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा, जिहड़ा तुसीं एड्डा वड्डा उपराला कीता, इन्हां बच्चों का हौसला बजाई कर लिया है। अजकल बहुत घट मीडिया वा जिहड़ा मतलब इन्हां चंगीआं चीज़ां नूं दिखाउंदा वा, ज़्यादातर तो बाहर ही लगे आ जी, दूजिआं ते जिहनूं इहदी लत्त खिच लो उहदी खिच लो, पर बहुत घट चैनलों वाले आ। परमात्मा उहनां नूं हमेशा गुरु रामदास जी चढ़दी कला च रखण, जो समाज के दर्दां नूं समझदे आ। वीर जी जिवें कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ने, बहुत सारे कैफ ने, तुसीं भी जाते हो, असीं भी जाते हैं, पर जो संतुष्टि दिल नूं एक आराम मिले इतने आ कि इन्हां बच्चों दीआं गल्लां बातां सुणियां, तसली होई कि वाकई रब है, तो इहो जिहीआं थावां ते वसदा है रब। वेखो एक गल कहण वाली जी, एक तो आपां कह दिंदे रबी रूह आ, इह रब दे बच्चे आ, ते मैनूं अक्सर जदों किते मेरे बाहर स्टेटां च भी जांदा रहिंदा अक्सर किसे कम लई, ते पर मैं जदों किते आउंदा ना, मेरे मन नूं बहुत शांति मिलदी आ। असी गुरु घर, मंदिर, मस्जिद, चर्च कितने भी जाने, तो असी इस करके जाने कि परमात्मा साढ़े कृपा कर, सानू शांति मिले, तो जेकर जिंदगी का सुकून लैना वा, शांति लैनी आ, तो दूजियां नू सुख दे के मिलती आ, परमात्मा साढ़े अंदर वसदा वा, बाहर नहीं। पर जे असी जो संतां महापुरशां को बैठी हो, कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिहड़े पंज चीज़ां नू वस च कर लैंदे आ, उह परमात्मा नू पा लैंदे, इन्हां नू कोई लालच नहीं है, ये उही परमात्मा दे बच्चे आ जिहड़े साढ़े तो यही उम्मीद रखते भी ये सानू प्यार देन ते प्यार लैन। इन्हां दे वड्डे वड्डे सुपने आ, ते वो सुपने पूरे करने आ जिहड़े संगत ने, गुरु रामदास महाराज दी घर दे संगत ने पूरे करने आ। ते मेरी अमृतसर वासियां नू हाथ जोड़ के बेनती आ, भई असीं अमृतसर वाले पूरे वर्ल्ड च जाने जाने आ, ते साढ़े ते बड़ी कृपा, साडा प्यो बहुत वड्डा गुरु रामदास,
तो असी इत्थे रिलायंस स्टोर आ अल्फा वन दे विच नाल ही मिट्टी कैफे बड़ा प्यारा नाम रखिया पंजाब दे नाल जुड़िया होया क्योंकि बंदा मिट्टी या मिट्टी हो जाना है ना मिट्टी कैफे बड़ा प्यारा नाम तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो इतने आओगे इन्होंने तुहानू ना बाहर ही रिलायंस स्टोर दे मिलना सत श्री अकाल बुला के अंदर लैके जाना फिर बड़े प्यार तुहानू बना के कुछ खवाउणा वा जो भी तुसीं कहोगे तो इतने आण के तुहानू इन्ना सुकून मिलना मैं तो इन्हां नू हुण वखरा नहीं अपना परिवार मानदा ये मेरा परिवार आ इन्हां दीआं दुआवां सदका परमात्मा ने पता नहीं मैनू की कुछ देना वा एक असीस उस अकाल पुरख के द्वार तक लै जांदी जे कोई दिलों तुहानू दवे इत्थे दुआवां ही मिलदियां जिवें कि भैन साड़ी दस रही थी जिहड़े कि रेस्टोरेंट के ओनर ने वह दस रहे हैं कि उदों मन उदास हुंदा जो कोई ऑर्डर दिंदा तो बाद च पता चलता कि स्पैशल बच्चों ने यह ऑर्डर तैयार किया तो वह चले जाते हैं ऑर्डर के बिना ऑर्डर तो ही कहते उदों बहुत मन उदास हुंदा साडा वेखो भैन साड़ी का उपराला बड़ा वड्डा वा सोच भी बड़ी वड्डी आ छोटी सोच नहीं लोगों को रखनी चाहिए एक गल याद रखनी चाहिए आ जिहड़े ब्रांड की असी गल करते हैं ना तो जो तुम कि मड़ियाँ वेख लो करोड़ों पति वड़े वड़े जातों पातों च पैन वाले सब उत्थे ही होंगे तो उस वेले ये चीज़ नहीं कम आती हंकार त्याग के जो जावे ना तो फिर असी बड़ा कुछ पालेंगे तो जे असी इन्हों वहमां दे चक्करां च पवांगे इहो गल कोई सियाणे बाबे ने कही होवे भी जाओ जाके उत्थे आह करो आह खा लो तो उत्थे इन्हां ने कुछ भी खा लेना तो वहमां भरमां च पै गए कोई इन्हां ने वेखणा नहीं भी समाज का नुकसान है कि चंगा वा पर जे कित योजा काम करना पै गया इतने साड़ी रैपूटेशन आ जाती रैपूटेशन साइड पर रख के आओ परमात्मा के घर जाइए नीवे होकर जाना चाहिए तो जे किसी के कोलों प्यार लैन जाइए तो उत्थे भी नीवे हो के ये भी परमात्मा के बच्चे आ इन्हों को जो असं आना वा अपना हंकार छड के आईए इन्ह का प्यार लैके जाइए क्योंकि इन्हों बेचारियों कोई किसी तो यही आ उम्मीद भी ये साढ़े ने तो असी इन तो की इन्होंने साढ़े तो लै लेना वा असी बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंटा जाने किड़े किड़े बिल दिने असी कहिंदे साडी रैपूटेशन है जी असी वड्डी जगह ते बैने पर कदी एक जगह इत्थे भी आके वेखो क्योंकि जिंदगी दा सुकून जे लैना होवे ना तो पैसे दे के नहीं मिलता प्यार जिहड़ा हुंदा वा वो उही इंसान समझ सकदा जो परमात्मा दे बहुत नेड़े आ ते परमात्मा दे नेड़े आ ये बच्चे इन्हां दे बड़ी गुरु दी कृपा वा असी अपने आप नूं कह दिंदे असी आ जो असी कुछ नहीं आ इन्हां विच महाराज वसदा वा जे किसी इत्थे आके कोई वेखूगा ना उस निगाह दे नाल वेखूगा तो फिर उन्होंने वाकई परमात्मा नज़र आऊगा हर बंदा विजिट करे क्योंकि इन्हां दे सुपने पूरे करने आ तुसी सारयां ने करने आ तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सारे चैनल वाले भरावां दा मैं कभी कहा नहीं है भी वीडियो शेयर कर दिओ पर प्लीज़ ये बच्चों की वीडियो जरूर शेयर करो जिहड़ी लोगों तक पहुँचण तो लोग वध तो वध विजिट करन बहुत बहुत धन्यवाद जी तो बहुत ही प्यारे बच्चे ने तो बहुत ही प्यारा मिट्टी कैफे जिहड़ा चल रहा इत्थे तो जिवें कि रब दे बंदे ने तो मिट्टी के नाल नाल जुड़िया होया तो मिट्टी के नाल नाल जुड़े हुए इंसान ने अते सब तो वधिया उपराला इस भैन का है कि इस भैन इन्हां बच्चों नूं पूरी तरह ट्रेन करती है तो फिर ये बच्चे जिहड़े रेस्टोरेंट चला रहे हैं कैफे चला रहे हैं तो साडी भी अपील है जे तुसीं अमृतसर आ रहे हो तो जरूर इत्थे आओ क्योंकि तुहाडे इत्थे पहुँचण नाल इन्हां दी हौसला अफजाई होएगी अते इन्हां दा जिहड़ा परिवार है वह भी जरूर चलेगा मैनूं दिओ इजाजत मैं हां तुहाडा दोस्त तरमवीर गिल लाली अमृतसर।